आज एक बहुत ही खुशी का अवसर है कि पूरे देश और दुनिया में जिस बात को लेकर के समाज के हर व्यक्ति के मन में एक चिंता थी कि हमारे जाबाज साथी छोटे भाई चंद्रशेखर आज़ाद, जिनको रासुका लगा करके सहारनपुर की जेल में बंद किया हुआ था, सरकार को अंततः समाज के आंदोलन के सम्मुख झुकना पड़ा और समय सीमा जो तय थी नवंबर की, उससे पहले ही सरकार को उनको रिहाई के आदेश देने पड़े। तो मैं इस शुभ अवसर पर समाज के एक एक अम्बेडकरवादी को, एक एक भाई को, एक एक बहन को मैं मुबारकबाद देता हूं। और आप सब के सहयोग से जो दिन रात आप लोगों ने ये आंदोलन को खड़ा रखा, जैसे कि पहला वाला आंदोलन मई में यहाँ 2017 में जंतर मंतर पर हुआ, जिसमें खुद चंद्रशेखर आज़ाद मौजूद थे। उसके बाद में फिर ये फरवरी 2018 में इसी जंतर मंतर पर ये कार्यक्रम हुआ, नहीं ये मई 2017 में। उसके बाद में फिर दूसरा कार्यक्रम जून 2017 में यहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, जिसमें हम लोगों ने सरकार से पुरजोर मांग की कि भाई चंद्रशेखर के साथ साथ जो भी हमारे बच्चों को, निर्दोष बच्चों को अरेस्ट किया गया, जेल में डाला गया, उन सबकी रिहाई होनी चाहिए। और उस कार्यक्रम में, जून 2017 कार्यक्रम में, हमने जो सहारनपुर के दंगा पीड़ित हमारे परिवार थे उन सबको भी कुछ आर्थिक सहयोग दे करके कुछ उनके, हमने कोशिश की कि जो हमारी जिम्मेदारी उसका निर्वाह करने की हमने कोशिश की। और उसके बाद में फिर ये 2 अप्रैल का जब आंदोलन हुआ, जिसमें भारत बंद हुआ, समाज के एक एक व्यक्ति ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया, उस दिन भी हमने वहाँ पर जंतर मंतर पर, जब ये पार्लियामेंट स्ट्रीट पर ये आंदोलन हो रहा था, और हमने तब एक सांसद बीजेपी के वहाँ पर आ गए, जनक जी, हमने उनसे पूछा कि भाई आप हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद, जिसको हाईकोर्ट इलाहाबाद ने जमानत दे दी है और वो जेल में बंद है, तो क्या आपने उसके बारे में कोई संसद में आवाज़ उठाई? तो जब नहीं उठाई तो आप यहाँ पर समाज के सम्मुख क्यों भाषण दे रहे हैं? और हमने उनको मन से कहा कि आप चले जाइएगा। पिछले दिनों जो भी घटनाएं हुई हैं, समाज के हर व्यक्ति ने अपने तरीके से, मैं कनाडा गया, मैं अभी पिछले दिनों अमेरिका गया, जहाँ जहाँ भी मुझे जाने का मौका मिला, मैंने देखा कि इस जो गिरफ्तारी सहारनपुर के केस में हमारे समाज के लोगों की हुई थी, उसमें समाज का व्यक्ति, चाहे वो भारत में रह रहा है, चाहे वो दुनिया किसी कोने में रह रहा है, वो चिंतित था, परेशान था और उसकी पूरी संवेदना थी। और आज हमें खुशी है इस बात को शेयर करते हुए कि आज सरकार ने भाई चंद्रशेखर आज़ाद की रिहाई कर दी है। साथ साथ अभी हमारे सम्मुख बहुत बड़े चैलेंज हैं कि जो 2 अप्रैल को हमारे बच्चे पकड़े गए हैं, निर्दोष बच्चे पकड़े गए हैं, उन बच्चों की रिहाई कराना भी समाज के एक एक अम्बेडकरवादी की, एक एक समाज के भाई और बहन की जिम्मेदारी बनती है। और इस बात को लेकर के एक बड़ा आंदोलन दिल्ली की धरती पर हम लोगों को तय करना है, जिसमें हम चाहेंगे कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद भी उसमें अपनी शिरकत करें, जिससे कि जो बच्चे, हालांकि अभी पिछले दिनों 7 सितंबर को, 7 अगस्त को हम लोगों को भारत सरकार के द्वारा महासंघ के करीब 50 राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बुलाया गया था। अर्जुन मेघवाल जो भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं, उनके निवास पर ये मीटिंग हुई थी, जिसमें थावरचंद गहलोत भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, अर्जुन राम मेघवाल भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, और दुष्यंत गौतम और संगठन की तरफ से रामलाल संगठन मंत्री उस बैठक के अंदर मौजूद थे। और उनके सम्मुख हमने ये सब बातें रखी कि हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद को आपने जेल में डाला हुआ है, तो उन्होंने कहा था उस दिन समाज के सभी लोगों के सामने कि हम जल्दी उनकी रिहाई करवा रहे हैं। उसके बाद हमने उनसे दूसरा सवाल किया कि 2 अप्रैल को हमारे बच्चे, निर्दोष बच्चे जो जेल में बंद हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, उनके लिए हमने चीफ मिनिस्टर्स को आदेश दे दिए हैं और उनको सबको हम लोग उनके मुकदमे वापस लेकर उनको जेल से बाहर कराने का काम कर रहे हैं। तो हमने कहा कुछ पार्टीज ने एक दूसरे पर मुकदमा लगाया, उसके लिए सरकार आपकी क्या करेगी? तो उन्होंने कहा कि हमने सांसदों को निर्देश दिया है कि आप लोग दोनों पक्षों को बिठाएं और बैठाकर उनका समझौता करा के पुलिस थाने में जमा करें, जिससे कि उस मामले को ख़त्म कराया जा सके। हमने कहा हमारे एट्रोसिटी एक्ट का क्या है? तो उन्होंने कहा कल आपका SC ST एट्रोसिटी एक्ट पार्लियामेंट के अंदर पास हो जाएगा और ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। और उन्होंने थावरचंद गहलोत सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री से कहा कि यस, कल ये बिल पास हो जाना चाहिए। उसके बाद हमने कहा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में जो हमारा शिक्षकों का रिजर्वेशन आपने बंद किया है, तो उसके जवाब में उन्होंने हमसे ये कहा कि हमने रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर रोक लगा दी है, मामला न्यायालय के सम्मुख है, अगर न्यायालय आपके पक्ष में निर्णय देता है तो ठीक है, अन्यथा हमारी सरकार की बाध्यता है कि हम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में शिक्षकों के लिए, प्रोफेसर्स के लिए रिजर्वेशन बहाल करेंगे। तो इन सब मुद्दों पर हम लोगों ने बड़ी विस्तार से सरकार के साथ चिंता की। हमें खुशी है कि आज इस चर्चा की कड़ी में आज चंद्रशेखर आज़ाद भाई की रिहाई हो गई है और हम ये उम्मीद करेंगे कि सरकार ने जो वादा किया है महासंघ के 50 राष्ट्रीय पदाधिकारियों के सम्मुख,
उनको वो निभाएगी और जल्दी हमारे जो 2 अप्रैल को बच्चे निर्दोष बच्चों को जेल भेजा गया है उनको बाहर निकालने का काम करेगी। इसी कड़ी में मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि 26 नवंबर 2018 को जो तालकटोरा स्टेडियम है उसके अंदर महासंघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दलित सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। उसमें पूरी दुनिया के लोगों को हमने आमंत्रित किया है और हमारी कोशिश है कि सरकार की तरफ से खुद प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में उस कार्यक्रम में शिरकत करें और समाज के साथ उनके सीधे डायलॉग्स हम तालकटोरा स्टेडियम के अंदर चाहेंगे कि समाज के सवाल हों, प्रधानमंत्री जवाब दें और जो समाज के अंदर अविश्वास का वातावरण सरकार के प्रति है, वो शंका है, वो समाज के लोगों की शंका को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री जी को हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके 26 नवंबर जो संविधान दिवस है तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में जो अंतर्राष्ट्रीय दलित सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है उसमें प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए और हम उनको निमंत्रण भेज रहे हैं। अभी हम डॉक्टर केपी सिंह जी जो कि मैं बताना चाहूँगा सियाटल स्थित जो वाशिंगटन यूनिवर्सिटी आप उसमें प्रोफेसर रहे हैं, आप जो लॉर्ड बुद्धा हमारी यूनिवर्सिटी है ग्रेटर नोएडा में आप उसके डीन रहे हैं और अब समाज के प्रति 24 घंटे समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। अभी हम दोनों लोग जापान की यात्रा पर हैं, 20 तारीख को हम लोग जापान जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय दलित सम्मेलन को, आज हम वहाँ पर जाकर संबोधित करेंगे और भारत के अंदर जो ये जातिगत भेदभाव की समस्याएं हैं इन सभी समस्याओं का हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने विस्तार से चर्चा करेंगे, वहाँ प्रस्ताव पारित करेंगे और उनको प्रस्तावों को पारित कराने के बाद भारत के प्रधानमंत्री को हम यहाँ इंडिया में ला करके सौंपेंगे जिससे कि उन पर तुरंत कार्रवाई हो और भारत के एक एक गरीब समाज के जो SC ST समाज है उसके साथ न्याय कराने की जो हमारी जिम्मेदारी है उसका हम निर्वहन करते हुए एक एक भाई को एक एक बहन को न्याय दिलाने का हमारा प्रयास होगा।